नमस्ते, मेरा नाम सौरभ है और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप डॉट कॉम। 1999 का वर्ल्ड कप, इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे मैच में गेंदबाज ने 5 गेंदों के अंदर 3 विकेट झटक कर इंडिया के मुंह से मैच छीन लिया। हार से भारतीय समर्थकों का इतना मूड खराब हुआ कि उन्होंने भारतीय खिलाड़ियों के पुतले जलाए, उनके घरों पर पत्थर तक फेंके। और ये आग लगवाने वाला बॉलर था हेनरी ओलंगा। भारत की जनता ओलंगा के उस घातक ओवर को कभी नहीं भूल सकती। पर फिलहाल हम ओलंगा को क्यों याद कर रहे हैं? नहीं, किसी बॉलिंग की वजह से नहीं, बल्कि उनकी गायकी के लिए। सही सुना आपने, कभी जिम्बाब्वे क्रिकेट के पोस्टर बॉय हेनरी ओलंगा अब ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। 28 मई की रात वह ऑस्ट्रेलिया के चैनल 9 के रियलिटी शो सिंगिंग शो द वॉइस लाइव के ऑडिशन में दिखे ही नहीं, बहुत तगड़ा गाते दिखे। उनके गाए दिस इज द मूवमेंट के गाने पर वहां मौजूद 4 जज उन पर फिदा हो गए। जजों के साथ ही सोशल मीडिया पर भी लोग ओलंगा के इस छुपे हुए टैलेंट की जय जय करने लगे। ऑडिशन ले रहे एक जज ने उन्हें पहचान भी लिया कि वो क्रिकेट प्लेयर रहे हैं। खास बात यह है कि ओलंगा को ऑडिशन में चुन लिया गया है और अब वो इस शो में आगे भी गाते दिखते रहेंगे। ओलंगा ने अपने इस छुपे हुए सिंगर और अपनी जर्नी के बारे में भी बात की। वो बोले, ये बहुत लंबी जर्नी है, क्रिकेट से रिटायर हुए मुझे 15 साल हो चुके हैं। तानाशाह के खिलाफ आवाज़ उठाने के बाद मुझे देश छोड़ना पड़ा था। अब नए रास्ते के जरिए मैं खुद को खोज रहा हूँ। इस दौरान मैं इंग्लैंड में घूमता रहा और पिछले कुछ सालों से ऑस्ट्रेलिया में हूँ। मैं पहले भी मंच पर गा चुका हूँ, क्रिकेट के साथ सिंगिंग में भी इंटरेस्ट रहा है, हाई स्कूल में भी गाने गाया करता था। ये देश छोड़ने वाली बात जो ओलंगा ने की, आपको लगे हाथ वो भी कहानी बता देते हैं। दरअसल 2003 वर्ल्ड कप से जस्ट पहले जिम्बाब्वे में अराजकता का माहौल था। वर्ल्ड कप के कुछ मैच जिम्बाब्वे में भी होने थे, कुछ देशों ने वहां खेलने से मना कर दिया। देश में मानवाधिकारों का हनन खुलकर हो रहा था। ऐसे में हेनरी ओलंगा ने अपने विरोध को दर्ज कराने के लिए सबसे बड़ा स्टेज चुना, वर्ल्ड कप का मैच। अपने बाजू पर काली पट्टी बांध कर मैदान में उतरे। इसमें उनका साथ दिया एंडी फ्लावर ने। जाहिर सी बात है, इससे सरकार उनसे बुरी तरह खफा हो गई। उन्हें अगले मैचों के लिए ड्रॉप कर दिया गया। यही नहीं, उनको जान से मारने की धमकियां भी मिलने लगी। उनके नाम एक वारंट भी निकाला गया, उन पर राजद्रोह का आरोप लगा। इस वजह से कुछ समय के लिए उन्हें छिपना पड़ा, फिर देश भी छोड़ना पड़ा। आखिर में उन्होंने इंग्लैंड में शरण ली। आपको शायद पता हो कि ओलंगा जिम्बाब्वे के पहले ब्लैक क्रिकेटर थे। 1998 से 2003 तक वे जिम्बाब्वे के टॉप बॉलर रहे। उन्होंने अपने करियर में 50 वनडे मैच खेलकर 58 विकेट और 30 टेस्ट मैच खेलकर 68 विकेट लिए थे, मगर एक विद्रोह ने उनका करियर छीन लिया। फिलहाल वो एक नए करियर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, सिंगिंग करियर। देखना होगा कि वो इसमें कितना आगे जा पाते हैं, अपनी गेंद जितनी आग बरसा पाते हैं या फिर नहीं। खैर, हमारी तरफ से ओलंगा को शुभकामनाएं। आपकी ओलंगा से जुड़ी कोई याद हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बाकी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा हमारी ऐप प्ले स्टोर पर है, उसे डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर डाउनलोड कीजिए। शुक्रिया।